इस बार वो अपना चेहरा भी साथ लाया था। मुझे पार्क में चक्कर आ गए तो मुझे यहाँ घर पे छोड़ने भी आया था। यहाँ? अच्छा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? शायद तुम मेरी बात समझी नहीं। जी, समझते समझते समझ ही जाऊंगी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सपना बीबी आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत खुश मिजाज है। यस यस, थैंक यू। ये क्यों होने लगा मेरा भाई? ये हमारा मुलाजिम है रमजू। जरा सी भी टोन नहीं बनने देती मेहमान के सामने। मेहमान? ये हमारी नई मुलाजमा है रजिया। और ये तुमने डैडी का पुराना सूट क्यों पहना है? सामने बंगले के मालिक जरा सैर को गए हुए, उनके खान साहब ने गली के नौकरों की दावत कर दी। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं भी जरा इज्जत ओढ़ लूं। बड़े साहब को मत बताइए कि मैंने उनका सूट पहना। ठीक है जाओ। नालायक, बड़े साहब को मत बताइएगा। लो भैया भी आ रहे। हेलो सपना। हेलो। ये कौन है? रजिया, डैडी ने नई मुलाजमा रखी है। ओहो, अच्छा, ग्लैड टू मीट यू। भैया ये आप गाल क्यों चला रहे? वो आज एक लड़की का हाथ देख लिया था। आप नजूमी भी हैं? बाकायदा नजूमी तो नहीं हूँ, हाँ पामिस्ट्री बहुत जानता हूँ। मैंने माइकल एंजेलो की किताबें बहुत पढ़ी। भैया माइकल एंजेलो तो मुसव्विर था, आपने कैरो की किताबें पढ़ी? हाँ हाँ हाँ। लेकिन पामिस्ट्री में ये चेहरे पे उंगलियों के निशान कैसे बन सकते हैं? वो शादी की लकीर पर इख्तलाफ हो गया था। अच्छा। मैंने कहा कि आपके हाथ पे शादी की तीन लकीरें हैं, तो उसने कहा हाथ का प्रिंट ले जाइए, घर जाकर गौर से देखिएगा। अच्छा, तो ये उसी के हाथ का प्रिंट है। शट अप, शट अप, शट अप। थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? नॉट एट ऑल, मेरे पास घड़ी नहीं है। बट हू आर यू? मेरा नाम तहमीना है। मैं एक रिसाले से वाबस्ता हूँ। एडिटर साहब ने कहा एक अच्छा सा फीचर लिखूं। आप इस पाइप में रहते हैं? जी हाँ हाँ, और कहाँ रह सकता है मुझ जैसा बेरोजगार आदमी। यू नो आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली बट नो जॉब। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यू सी। हाँ, फिर तो आप हमारे रिसाले के दफ्तर में भी काम कर सकते। अच्छा, जॉब मिल जाएगी मुझे। अच्छा, तो चलिए अभी चलिए। आइए। ये मैंने घंटी क्यों बजा दी? चपरासी तो है नहीं यहाँ कोई। एक साहब मिल गए हैं अजीब से, रहते हैं पाइप में लेकिन पढ़े लिखे लगते हैं, अंग्रेजी तो फरफर बोलते हैं। तो फिर? सर उन्हें जॉब की जरूरत है, हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं। अच्छा, तो बुलाओ उन्हें। आ जाइए मिस्टर जेदी, आ जाइए। अरे हारे हुआ मैं। आदाब तस्लीम आदर्श करता हूँ बंदा परवर। आप बहुत खुश नसीब हैं कि मुझ जैसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो रही है। कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे कितने बुला रही हूँ तमीना, उन साहब को बुलाओ जो पढ़े लिखे आदमी। पढ़े लिखे? What do you mean? शायद आप जानते नहीं हैं कि who is जेदी? Who is जेदी? I is जेदी। Oh, you are जेदी? Yes, I are जेदी। Mr. जेदी, जी जेदी, I जेदी, Mr. जेदी, मैट्रिक सेकंड डिवीजन, ब्रामिसर बोधा डिवीजन। ठीक है, आपको कुछ लिखने लिखाने से भी दिलचस्पी है? दिलचस्पी? अजी
पूरे 8 साल तक दीवारों पर इश्तेहार लिखता रहा हूँ मैं कि हाँ काली खांसी का शर्तिया इलाज हकीम बब्बन का जुशांदा पीजिए आज। क्या आपको हैजा हो चुका है? हो चुका है यकीनन, हकीम बब्बन से मिलिए फौरन। और एक फिल्म का इश्तेहार तो क्या कहने, वो इश्तेहार ये था कि आप जी देखो प्यार मोहब्बत और जंगो जदल से भरपूर शाहकार गन्स ऑफ नेवरॉन उर्फ हिटलर का प्यार। और एक इश्तेहार तो ऐसे मजे का था। बस लिखने लिखाने से मेरा मतलब था राइटिंग, फीचर राइटिंग, लिटरेचर और पोइट्री वगैरह। अच्छा अच्छा, भाई मुझे तो बहुत ही दिलचस्पी रही है पोल्ट्री से। आपका मतलब है पोइट्री? जी 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 हाँ, यही चीज थी। मैं तखल्लुस के साथ शायरी क्या करता था, मेरा तखल्लुस था मिस्टर जेदी अफसोस खरड़िया वाली। ये क्या तखल्लुस हुआ? दरअसल मैं जब अपने अशआर पढ़ता था तो लोग कहते थे अफसोस अफसोस, बस मैंने यही तखल्लुस रख लिया अफसोस। एक शेर अर्ज किया है, कहिए इरशाद। शुक्रिया। अर्ज किया है, प्यार किया था क्यों अब रात को तारे गिन। वाह वाह वाह, अच्छा, प्यार किया था क्यों अब रात को तारे गिन। ये मानामा फुलझड़ी का ऑफिस है, हमें ना आपसे दीवारों पर इश्तिहार लिखवाने हैं और ना इस किस्म की शायरी करानी है, हमें चाहिए फीचर और मजामीन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका रिसाला मानामा फुलझड़ी, ये आपका मानामा फुलझड़ी कब शाया हो रहा है? निकला नहीं है, डिक्लेरेशन की दरख्वास्त दी हुई है। जो कमाल है, रिसाला अभी निकला नहीं तो ये आप मजामीन किस लिए लिखवा रहे हैं एडिटर साहब? मिस्टर जेदी, रिसाला निकलने से पहले 6 महीने का मटेरियल एडवांस तैयार होना चाहिए। हमारी चीफ रिपोर्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चीफ रिपोर्टर? अच्छा, आप हैं चीफ रिपोर्टर? अच्छा, कोई बड़ी खुशी हुई। एक बात बताइए अपना एडिटर साहब, के ये बताइए कि मेरी पोस्ट क्या होगी इस दफ्तर में? आपकी पोस्ट होगी ऑनररी डिप्टी असिस्टेंट एडिशनल ज्वाइंट एडिटर। अच्छा, ऑनररी डिप्टी सब असिस्टेंट एडिशनल ज्वाइंट एडिटर। ओ हाउ बिजी मैन। तो हर इंटरव्यू के आपको 25 रुपए मिलेंगे? सिर्फ 25 रुपए? यानी जब रिसाला छपेगा, जब इंटरव्यू शाया होगा, तब ये काम कुछ दिहाड़ी बेसिस पे नहीं हो गया है? मैं इस दफ्तर में वन मैन यूनियन बनाऊंगा। यूनियन? जी देखिए, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो जा सकते हैं। ये यूनियन खत्म, क्यों नहीं भाई, काम होगा, जरूर होगा, इंटरव्यू करेंगे हम, जरूर करेंगे। जरा बाहर आइए मोहतरम। आपने मुझसे पूछा कौन हो तुम? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन है? तो फिर किसी को आने दो। किसको? कोई आएगा मुझे बताएगा कि मैं कौन हूं। अजीब आदमी आप, आपको यही नहीं मालूम कि आप कौन है? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरा दुश्मन जो मुझे मार देना चाहता है। उन लोगों को तो मैं जानता नहीं, लेकिन जिनके मकान पर आपने कब्जा कर लिया है ना, वो मिस्टर जेदी अगर आ गए तो आपका गला दबा देंगे, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा देंगे आपको। कमाल है, रिसाले वाले ने कहा था कि मैंने आना है, उसने पर्चा भेज के टाइम लिया था। हेलो 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 मिस्टर गोरकन,
सॉरी मैं जरा लेट हो गया। वो भाई जी बड़ा इंतजार कराया आपने, उधर एक मुर्दा जो है वो चांस पे रखा हुआ है। कि मुर्दा चांस पे? मुझी वो तो रखे रखे ठंडा हो गया, सीट नहीं मिल रही इसको। अच्छा मैं माफी चाहता हूँ यहाँ आने से पहले। दरअसल मैं एक बहुत बड़े सरमायादार के पास इंटरव्यू का वक्त लेने गया था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो सरमायादारों के पास जाने की क्या जरूरत है आपको, यहीं रहें। आखिर एक दिन सबने यही तो आड़ा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मारा नाम चराग दीन गोरखन। चराग दीन गोरखन। भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? आप पहले जिंदा आदमी हैं जिसको गोरखन के साथ मिलकर खुशी हुई। अच्छा आपसे मिस्टर लैम्प नहीं मिस्टर चराग दीन एक सवाल है कि आप लोग कब्र अंदाजन कितनी गहरी खोदते हैं? यही कोई एक फुट। सिर्फ एक फुट? जी ज्यादा खोदते हैं तो नीचे वाले मुर्दे को ऐतराज होवे। क्या नीचे भी मुर्दा होता है? जी मुर्दे के नीचे भी हाँ मुर्दा होवे। मुर्दे के नीचे भी मुर्दा होता है? तो अंदाजन एक कब्र में कितने मुर्दे होते हैं? बस आप यूँ समझ लें कि आपके साइज के पांच हो। मेरे साइज के? अच्छा तो जनाब आपको पता है आजकल कई मंजिला कब्रें बन रही हैं, फ्लैटों की तरह फ्लैट। अच्छा 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 यानी आप पुरानी कब्रों को रिकंडीशन करते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि एक ही कब्र में कई कई? तो जनाब वो मजबूरी है हमारी। हाँ जी हम देख नहीं रहे कितना रस है यहाँ पे। रस है तो क्यों है यहाँ इतना रस? खाने पीने की चीजों में मिलावट, नकली दवाएं, पर गरीब लोग तो बड़े डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते, समझ रहे मेरी बात को? जी जी। और वो जो अपने बजट है ना उसमें सेहत के सिलसिले में क्या रकम रखी जाती है थारे को पता है? जी जी। सड़क पे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं सारा पता है थारे को, पर मारे से पूछना चाहते होता। नहीं नहीं आपने सही कहा। अच्छा आप ये बताइए कि कब्रिस्तानों की हालत इतनी खराब क्यों है? हाँ जिंदाबादियों की हालत तो जैसे बहुत अच्छी है ना? मेरा मतलब ये था कि आप लोग इतनी कमजोर कब्रें क्यों बनाते हैं कि एक बारिश में बैठ जाती है? जनाब आप ये बताएं कभी आपने सुना कि हमने बजरी या वो सीमेंट को इस्तेमाल की कब्र में? नहीं नहीं नहीं। कोल तार? नहीं। हाँ जी और कभी टेंडर कोई सुना आपने कब्र का हमारे नाम पे निकला? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी ये जो बड़े बड़े करोड़पति है ना ये बड़े बड़े टेंडर पास करा के सड़कें बनाते हैं, और एक बारिश हुई और सड़क हो गई खत्म, उनसे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सारे हमको कोसने पीटने देने आ जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि ये जो तजवीज है कि कब्रिस्तानों के गिर्द चार दीवारी जरूर होना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो तजवीज है कि कब्रिस्तानों के गिर्द चार दीवारी जरूर होना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ना जी ना इसकी तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं क्यों जी? यहाँ से किसी की मजाल है जो बाहर निकलेगा। अच्छा किसी की मजाल नहीं। और कब्रिस्तान जो है वो वाहिद ऐसी जगह है कि जो अंदर वाला है वो तो बाहर नहीं जाएगा ना, वो जा सकता है, लेकिन जो ये बाहर वाला है ना वो भी अंदर नहीं आना चाहता। हाँ जी। अच्छा जी 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 जी। अच्छा एक बात बताएं कि ये कब्रिस्तानों में इतना अंधेरा क्यों होता है? यानी कि खंबे तो होते हैं लेकिन उनके बल्ब नहीं जलते हैं। लोड शेडिंग यहाँ भी होती है? वो जी कहाँ नहीं होती, बहुत से लोगों को परेशानी है इसकी वजह से। अच्छा जी अभी परसों एक साहब यहाँ अंधेरे में आए अपने बाप की कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए, पड़ोसी की कब्र पे फूल रख के चल दिए। अच्छा मिस्टर चिराग दीन अब आपसे एक आखिरी सवाल है। आप लोगों के बारे में एक बहुत शिकायत आम है कि गोरखन कब्रों के पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी आप है? आप हमारे को अजमा के देखें, हम तो बहुत ज्यादा रियायत करते हैं, एक चांस तो दें आप हमको। क्या है कमाल कर रहे हैं, सुने मेरी बात, आप दो बड़ी कब्रें फुतवाएं तो एक छोटी कब्र फ्री। छोटी कब्र बड़ी कब्र यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, यानी के मुझे आप कब्रों में यानी के कमाल है आपका तरीका ये। Thank you.
बैठे रहने से किराए का मकान मिलने से तो रहा। सुहेल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करो। वो अनवर का एक दोस्त है अब्दुल बाफी, उसने स्टेट एजेंसी का काम शुरू किया लेकिन उसका काम ही ठप हो गया। वो एक ही प्रॉपर्टी डीलर है पूरे शहर में। ये कौन जाहिल है, इसके दरवाजे पे कॉल बेल नजर नहीं आ रही क्या? ये दूध वाला जो है ना हमेशा दरवाजा ही खटखटाता है। आ जाओ भाई। आप कौन है? आप में से चेचक की मरीजा कौन है? मैं तो नहीं हूँ मरीजा। देखिए जनाब, अगर आप हॉस्पिटल वालों की तरफ से आए हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो आंटी जिनको चेचक निकली थी वो यहाँ से जा चुकी है। हाँ, और अब ये घर बिल्कुल साफ है, हमने एक एक जरासीम पकड़ के उसको गलत दबा दिया। नाउ इट इज नीट एंड क्लीन। यस, चलो शुक्र है, अब जरासीम से हिफाजत करने की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप कौन से जरासीम है माशाल्लाह? मैं हैबत हूँ और ये मकान खाली करवाने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी है आपसे मिलकर, लेकिन हम जानते नहीं आपको। रियाजुद्दीन साहब को तो जानते हो ना, उन्होंने ही मुझे भेजा है कि हैबत तुम ये मकान खाली करवा के वापस आना। उन्होंने वापसी की शर्त क्यों लगा दी? जब यहाँ देने के लिए रियाज में बिल्कुल नहीं करता, बड़े बड़े किराएदारों को मैं दौड़ा चुका हूँ, फाइटिंग में भी मैं एक्सपर्ट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे आपकी जान शान भी ठीक ठाक ही है। एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ, ये देखिए मेरी मसल, ये देखिए, अभी इसे मैं नचोड़ दूँ तो इसमें से असली घी टपकने लगे। टपक टपक, बर्तन लाना बर्तन। रहने दीजिए प्लीज चाचा भैया। हेलो, रहने दीजिए, हमें सफाई फाई करनी पड़ेगी, जबानी बातचीत ठीक है। मैं यहाँ पे बातचीत करने नहीं आया हूँ। हाँ, मकान खाली कर दीजिए वरना इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखिए मामू जान, प्लीज प्लीज। 15 दिन का नोटिस दिया था और नोटिस की मुद्दत खत्म हो गई। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी की डेट एक्सपायर हो जाए, चलो इधर से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे धमकी की क्या बात करते हैं आप भाई जान, अगर जोर से खांसे ना तो दम निकल जाए आपका। लेकिन ये नहीं खांसे। सुहेल आप बाजार जाए ना तो वो छुरी तेज करवा के ले आइएगा। तो सब्जी कैसे काटेंगे आप? कुल्हाड़ी से। ओहो, कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है रूही, रखे जो है 3 खंजर। तो क्या खंजर से आप लोग सब्जी काटते हैं? अब क्या करें, मजबूरी है, तलवार वेल्डिंग के लिए गई हुई है और वो बड़ी वाली आरी सभा ने कहीं छुपा दी है। ओहो, कैसे ना छुपाती रूही, भाई जान का जब भी किसी से झगड़ा होता है फौरन आरी निकाल लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं खुदा हाफिज़। सुनिए, एक गिलास फिनाइल पीते जाइए ना। हाँ, हाँ। अरे नहीं, मुझे जरूरी काम याद आ गया, बस भी नहीं मिलेगी मुझे। तो बस का खर्चा क्यों कर रहे हैं हम, आपको मैयत गाड़ी में भेजेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे बात सुनो, अरे बात ही खत्म, बात सुनो, बात सुनो। कहता हूँ निकल जाओ। हाँ, क्या हो गया? निकल जाओ इस दफ्तर से। एडिटर साहब, मैंने बड़ी मेहनत से ये रशात कलम लिखे हैं और ये आप देख रही है। हरगिज नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है इस दफ्तर में। आप भाई बात सुने, देखो तो कैसे कैसे इंटरव्यू करके ला रहा है ये शख्स। पहले एक गोरकन का इंटरव्यू करके लाया और अब एक मदारी का इंटरव्यू करके ले आया। और मुझसे कह रहे थे चूरन बेचने वाला भी इनका वाकिफ है। हाँ बिल्कुल है, चूरन बेचने वाला। जी जी। और इन्हीं शख्सियत पर चलेगा ये रिसाला। देखे, देखे, आप आ सुन लें, अरे इन गरीबों के हालात भी लिखे आप अपने रिसाले में, इन्हीं से चल रहा है ये सारा माशरा। पर तुम जैसा बेवकूफ अब इस दफ्तर में नहीं चल सकता। गेट आउट, आई से गेट आउट। देखे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने एडिटर साहब, आप जरा देखे तनख्वाह के बगैर मेरा क्या हाल हो गया है इस दफ्तर में। सुबह नाश्ते में 6 टिश्यू पेपर खाए हैं पानी के साथ, ये क्या हो रहा है? आई से गेट आउट, इतना रिश्ता, गेट आउट। ये बात मेरी बात, अरे मेरी बात सुन, अरे अरे बाहर, मेरी बात, अरे बाहर के, बाहर।
का साथ आज बात साफ होगी। मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम, क्या बात है? वो नुक्कड़ में सफेद बंगले में जो नए किराएदार आए हैं, मैं उनका मुलाजिम हूँ। तुम्हारा मेरे बेटे से क्या झगड़ा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है, असल झगड़ा तो मेरे साथ का होगा। क्यों होगा भाई, छोड़ो साथ। हटा, ये समझते नहीं है अभी, इनको पता नहीं है कि मैं कितना हाथ छोड़ किस्म का इंसान हूँ। मेरे दोनों हाथ बिजी करके समझ रहा है कि मैं दो लत्ती नहीं मार सकता। आज तुमने कोई नई हरकत की है। काफी दिनों से हरकतें हो रही हैं साहब। ये जब गाड़ी में हमारे बंगले के आगे से गुजरते हैं तो गाड़ी रोक के खूब हॉर्न बजाते हैं और चले जाते हैं। सारा बीबी ने शिकायत कर दी अपने डैडी को। क्या मेरा नाम है सायरा? साहिबा को गलत फहमी भी हो सकती है। भैया मैं सायरा को जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, बिला वजह शिकायत नहीं कर सकती। बड़े साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि बात आगे बढ़ने से पहले आप तक पहुंचा दी जाए ताकि बाद में शिकायत ना हो हमसे। ठीक है ठीक है, जाओ। लकी बेटे, ये अचानक हॉर्न कैसे बजने लगता है? पीप पीप। बेटे मैं उसकी वजह पूछ रहा हूँ मेरी जान। वो कभी कभी मैं मूड में होता हूँ ना तो गाड़ी चलाते वक्त रक्स भी करता हूँ, तो कभी कभी गलती से हॉर्न पे हाथ पैर पड़ जाता। हो सकता है किसी दिन तुम्हें सही रक्स कराने के लिए तुम्हें मेरा एक हाथ पड़ जाए। सुना था तुमने, बात आगे भी बढ़ सकती है। देखा सबने बेटे, आज उनका मुलाजिम मेरे बेटे को पकड़ कर रहा है, यानी सेठ बारानी की बेटे को। कल उस साहब ने अगर मोहल्ले वालों से शिकायत की तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी यहाँ? डैडी वो बंगला है, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ हॉर्न बजाना मना हो। लेकिन भैया वो बंगला आपका घर भी तो नहीं है ना, क्यों शोर करते हैं वहाँ पे आप? मेंढक बहुत है वहाँ, मेंढक अगर चलती गाड़ी के सामने अचानक कोई मेंढक आ जाए तो क्या मैं तीन चार हॉर्न भी ना बजाऊं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी ट्रैफिक की मुश्किलात। अगर तुम्हारी फिर कोई शिकायत आई ना तो हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा तुझे, समझे? टैक्सी में सो गई थी तुम, दिमाग ठिकाने नहीं था तुम्हारा। क्यों बार बार ताने दे रहे हो? गई उससे भूल, अब मैं क्या करूं? हो गई भूल, अब बेटी की शादी भी भूल ही जाओ। जिंदगी भर पाई पाई जमा करके जरीना के लिए थोड़ा सा जेवर और चंद जोड़े कपड़ों के बनाए, तुमने बेटी का सारा जहज तबाह कर दिया। क्या खबर वो टैक्सी ड्राइवर सब चीजें लेकर ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाईजान ये ब्रीफकेस किसका है? एक औरत बैठी थी टैक्सी के अंदर, जाते वक्त भूल गई। तो आपने उन्हें वापस कर दिया होता? तो मुझे पता ही कब था, वो तो मैं घर के पास से गुजर रहा था, मैंने सोचा चलो खाना खाता चलूं, जब गाड़ी रोकी तो ये नजर आया। अब उस औरत को भी ढूंढना पड़ेगा। खैर तुम ये बताओ कि खाना किन मराहिल में? खाना बहुत दुश्वार है क्योंकि इस वक्त रूबी किचन में खाने के तजुर्बात कर रही है। थोड़ी देर लग जाएगी, आप कहीं तो मैं आपके लिए चाय ले आऊं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी आई। यही तो अलमिया है हमारे माशरे का, न जाने कितनी बहनें और बेटियां सोने के जेवर का इंतजार करते करते खुद उनके उनके अपने बालों में चांदी के तार चमकने लगते। Thank you.
सुहेल भाई किसी का सामान वापस करने गए हुए हैं, बस आने वाले होंगे। मैं अकेली चाय ले आऊं? नहीं नहीं भाई, कोई तकलीफ नहीं, अब मैं खाना ही खाऊंगा। देखना जरा ये नमक है ना सोडा ये। अरे आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप यहाँ। जी कौन कौन है आप? यानी कि एक्सक्यूज मी, आप तो मुझे ऐसे हैरानी से देख रही हैं जैसे मैं कोई आसमानी मखलूक हूँ। आपने मेरे कमर्शियल स्टूडियो में एड की शूटिंग की थी? कहाँ, क्यों, कहाँ? सबक कौन है ये अजीब सा आदमी? ये संजू के भाई है, सुहेल भाई के दोस्त, कमर्शियल फिल्में डायरेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये मुझसे फ्री क्यों हो रहे हैं? मैं किसी अजनबी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो अपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बगैर मुझसे यूं मुखातिब हो। और आपने मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि मैंने आपके कमर्शियल में काम किया है? ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल वही शक्ल है। होनी भी चाहिए। इधर जो शक्ल बरसों से है वो मैं आपकी खातिर क्यों चेंज कर दूं? कैसे इल्जाम लगाया आपने कि मैंने आपके एड में काम किया है, बोलिए। मैं अब क्या बोलूं? सुजुकी भाई, ये मेरी सहेली एक करोड़पति बाप की बेटी है, इन्हें भला किसी एड में काम करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। क्या जरूरत है मुझे किसी एड में काम करने की? खामखा इल्जाम लगाए चले जा रहे। मैं माफी चाहता हूँ, यानी कि एक्सक्यूज मी, लेकिन आप दुल्हन बनी हुई थी। दुल्हन, दुल्हन यानी कि दूसरा इल्जाम। आपका दिमाग खराब हो गया है, आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है एक गैर शादी शुदा लड़की को आप कह रहे हैं कि आप उसे दुल्हन बने हुए देख चुके हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं किसी मिलते जुलते चेहरे की गलत फहमी तो नहीं हो रही संजू की भाई आपको? हो सकती है, गलत फहमी भी हो सकती है। वैसे आप याद करें, प्लास्टिक के बर्तन 10,000, बिल्कुल वही चेहरा है। वाह, अजीब और गरीब इंसान है आप। कैसे कैसे खब्तुल हवास लोगों को तुम्हारे भाई ने अपना दोस्त बनाया हुआ है। हाँ आने दो सुहेल को, देख लूंगी मैं। देखिए बड़ी मियाँ, मैं टैक्सी इसलिए नहीं चलाता कि किसी गायब और दिमाग आदमी को लेकर पूरा शहर घूमता रहूं। मुझे फौरन कहीं पहुंचना है। ठीक है, तुम जहाँ जा रहे हो वहीं मुझे भी पहुंचा दो। जहाँ आपको जाना नहीं है वहाँ कैसे पहुंचा दूं? तुम कैसे टैक्सी ड्राइवर हो बेटे कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है? खुदा का वास्ता है आपको, आप जल्दी से याद कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन मैं पहले बेटे ये तो याद कर लूं कि मैं हूं कौन। माशाल्लाह, मैं आपको तरीका बताता हूँ बेहतरीन छाप। हाँ, हाँ। आप नीचे उतरिए। हाँ। हैं और उतर के याद कीजिए। चलिए। अच्छा 90 रुपए दीजिए। 90 रुपए? माफ करना टैक्सी ड्राइवर बेटे, मैं जहाँ से चला था मैं कहाँ से चला था मुझे क्या पता। खैर कोई ना कोई तो जगह होगी वो जहाँ मैं चला था। बस मजे की बात क्या हुई, मजे की बात ये हुई कि मैं जब वहां से चला तो जेब में पैसे डालना भूल गया। रहने दीजिए पैसे, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप उतर गए, आपका बहुत शुक्रिया। ये अपना बैग लीजिए, चलिए। अच्छा मैं ये किससे पूछूं कि मुझे जाना कहाँ है? बाबा जी
अरे बाबा जी, बाबा जी, ओहो भाई कौन है आप? ये मेरा घर है, मेरा घर है। आपने दिन दहाड़े कब्जा कर लिया है, चले निकले यहाँ से। अच्छा ये आपका घर है? भाई मेरा घर है, जाएं आप अपने घर, चले। तो मेरा घर कहाँ है? भाई मुझे क्या मालूम आपका घर कहाँ है, चले अपने घर जाएं, जाएं। ठीक है चले जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है, चले जाते हैं, चले जाते हैं। देखना तो जरीना के अब्बा कौन है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है भाई? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये कसम साहब पे खड़ी है जी। आप कौन? मैं। अरे तुम, मुझे यकीन था बेटे कि तुम जहीना के जेवरात कपड़े वगैरह लेकर जरूर आओगे। ये लीजिए, अल्लाह का शुक्र ईमानदारी अभी भी जिंदा। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। ये बक्सा हमारा तो नहीं है। ये सामान कैसे बदल गया? नहीं भाई, ये हमारा बक्सा नहीं है। देखिए मैं आपका हुलिया बता के बड़ी मुश्किलों से यहाँ ढूंढता ढूंढता पहुंचा हूँ, और ये बहुत अच्छा किया जो तुमने हमारा मकान ढूंढ लिया, मगर हमारा बक्सा कहाँ है? ऐसी बक्सा था उनके पास, जरूर वो ले गए। आप लोग फिक्र मत करें बिल्कुल भी, मैं आपका सारा सामान ढूंढ तक आपको पहुंचाऊंगा, बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। खुदा हाफिज। वालों को यहां से जाने दिया, वरना उसकी टैक्सी जब्त कर लेता और उस वक्त तक वापस न करता जब तक वो हमारा बक्सा न दे जाता। तुम्हीं जैसे लोगों की वजह से दुनिया में नेकियां कम होती जा रही है। उसकी शराफत थी कि वो आ गया, धोखेबाज तो नहीं था। ये तुम्हें कैसे मालूम? अगर धोखेबाज होता तो वो हमारा घर ढूंढते हुए यहाँ ना आता। ये हमारी गलती से हमारी बच्ची का बक्सा कोई और ले गया, हम तो इस टैक्सी वाले का क्या कसूर है? इंस्पेक्टर साहब यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो वो अटैची केस वापस करने जा रहा था जिसमें उस गरीब औरत की बेटी के जहेज के कपड़े और जेवरात वगैरह थे। कसूर इस बात का है कि उस गैर दिमाग बूढ़े को अटैची केस क्यों ले जाने दिया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो अपना अटैची केस छोड़ जाएगा और दूसरा ले जाएगा। दोनों एक जैसे थे, बिल्कुल इस तरह के, और इस बात पर मैंने गौर नहीं किया था। गौर ना करने से आदमी फंस सकता है ऐसे मामलों में। आप मुझ पर शक कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मैंने वो जहेज वाला टीची का गायब कर दिया? नहीं, जो टैक्सी ड्राइवर उस गरीब औरत के घर तक पहुंच गया, बाद में वो थाने आ गया, मैं उस पर शक नहीं कर सकता, मगर तुमसे कोताही जरूर हुई है। क्या करूं इंस्पेक्टर साहब,
आप प्लीज जल्दी से उस बाबा को तलाश कर लीजिए, वरना मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो खफ्तुलआवाज बाबा मिल जाए। अगर मिल गया तो तुम्हारी ईमानदारी के बायस मैं महकमे से सिफारिश करूंगा कि तुमको इनाम दिया जाए। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी इनाम की खातिर ये नेकी नहीं करनी चाहिए थी। अगर एक ईमानदार टैक्सी ड्राइवर की हौसला अफजाई की जाए तो दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बन सकती है। काश इस महकमे में आप जैसी और भी मिसालें हों। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द अज जल्द वो अटी जी की तलाश करवा लीजिए। क्या हो गया, वो बाबा कहाँ चला गया? जाते जाते अपना केस यहीं छोड़ गया, कहीं इसमें बम न हो। माफ कीजिएगा, टैक्सी खाली नहीं है।